उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने वर्दी की मर्यादा को तार तार कर दिया। लोगों को सभ्यता और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद ही अनुशासनहीनता करती नजर आई। दरअसल मेरठ जिले की एक पुलिस चौकी अखाड़ा बन गई। पुलिस कर्मियों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। देर रात को ही इस चाकूबाजी में एक सिपाही भी घायल हो गया। पुलिस कर्मियों के बीच हुई मारपीट की इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ये घटना शनिवार रात की है। रविवार को सिपाहियों के बीच मारपीट और सिपाही से खून बहते हुए तीन अलग अलग वीडियो सामने आए। पूरे मामले में इंस्पेक्टर कंकर खेड़ा ने घटना की रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने आरोपी सिपाही दीपक और ओजस्वी मलिक को लाइन हाजिर कर दिया है। दोनों के खिलाफ जांच भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कंकरखेड़ा थाने के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सक्सेना को चार्ज से हटा दिया गया है। उनको साइबर सेल में भेजा गया है। कंकरखेड़ा थाने में तैनात सिपाही दीपक ललित और ओजस्वी मलिक शनिवार रात योगीपुरम पुलिस चौकी में बैठकर शराब पी रहे थे। आधी रात के बाद तीनों में कहासुनी होने लगी। इस दौरान ललित के परिवार के सदस्य वहां पहुंच गए। तभी ललित अपने घर जाने की बात कहकर चला गया। रात में ओजस्वी मलिक के दो अन्य साथी वहां पहुंच गए। इस दौरान सिपाही दीपक और ओजस्वी मलिक के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद ओजस्वी मलिक ने सिपाही दीपक का सिर फोड़ दिया। सिपाहियों में मारपीट के वीडियो में दीपक शराब के नशे में गुहार लगा रहा है कि सिपाही ओजस्वी ने उसके साथ मारपीट की है। सिपाही दीपक के सिर से खून बह रहा है। पास में तीन अन्य युवक भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। रविवार को सिपाही दीपक का मेडिकल कराया गया। इंस्पेक्टर कंकरखेड़ा सुबोध कुमार सक्सेना ने बताया कि सिपाहियों में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। ये घटना पुलिस चौकी की नहीं है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।